and stuff, and she's there. Hi. I keep waiting here, Kim. I'm going to be here. I'm मेरी सारी पेंटिंग में सोशल अवेयरनेस के मैसेजेस होते हैं बेसिकली. तो यहाँ से शुरू करते हैं. पीकॉक सबसे ब्यूटीफुल क्रिएचर है, हमारा नेशनल बर्ड भी है, और उसके जितना खूबसूरत कुछ है नहीं और फैंसी भी कुछ नहीं. तो मैंने उसे यहाँ पर फैशन का गॉड फादर रिप्रेजेंटेड किया हुआ है. सो दिस इज़ अ वॉर्म रैम एंड थ्री एराज ऑफ फैशन ऑन इट. देन कम टू दिस, दिस इज ऑस्कर ट्रॉफी, दिस इज फिल्मफेयर ट्रॉफी. And they both are together, always seen on Cannes Film Festival, and also they have collaborated so well in these years. So that's why I've portrayed them as Mr. and Mrs. Wood, because they are working hand in hand in Bollywood or Hollywood works. So this is a tribute to our fashion industry. Very nice. And just one. This is called Empowerment. There's a mother and a baby's home. And it also shows mother that she, in a baby's room. Yeah. Normally we have a baby in a mother's room. Yeah. So there's a mother in a baby's room. So it shows that the minute you take charge, no matter whatever age you are, that moment is called empowerment. That is the only thing of the power. So you can do anything the minute you decide. This is virtual prison. Sometimes we face few ladies, they say, I can't do this, I'm married, I can't do that. But I believe it's a virtual prison. They are virtually in prison. It's not reality. You are Sindoor also there. Yeah, because that's what they say. Yeah. Shadi ke baad nice. Hum ye nahi kar sakte, wo nahi kar sakte. But I feel ki wo galat hai. आप जब खुद तय करते हैं तो आपने बोझ अपने ऊपर डाला हुआ है, किसी ने आपको ट्रैप नहीं किया हुआ. यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू आर द एंकर ऑफ योर ओन लाइफ. सो यू कैन जस्ट रिमूव इट एंड ऑफलोड योर सेल्फ, इट्स इन योर हैंड. सो ये जो जेल है वो वर्चुअल मतलब एक्चुअल नहीं है. और ये हमारा पूरा इंडिया है. ये जो है यहाँ पर हमने टेम्पल बुद्धा, सो दिस इज हेरिटेज ऑफ इंडिया, हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया. देन द सेकेंड पेंटिंग रिप्रेजेंट्स अवर स्वस्तिक है, जो हमारे ज्ञान को दर्शाता है. हमारे इंडिया में बहुत डीप नॉलेज है, सीक्रेट साइंस से भरपूर है हमारा इंडिया, वेदास एंड स्क्रिप्चर्स एंड एवरीथिंग. सो स्वस्तिक उसको रिप्रेजेंट करता है. ये हम हैं, हम इंडियंस. कितना भी ट्रबुलेंसेस आ जाए हम फिर भी मक्कम खड़े रहते हैं और पीसफुल हैं हम. सिर्फ गणपति गणपति दैट जस्ट शोज अवर फेथ. हम काफ़ी पीस मेकर्स हैं, पीस लवर्स भी हैं, और हम हमेशा अड़े रहते हैं. मतलब नोबडी कैन शेक अस. एंड दिस इज कॉल्ड, दिस इज इंडिया इज अ लैंड ऑफ लिबरेशन. सो दिस इज हेवन्स डोर एंड वे, बिकॉज इट्स इंडियन. एवरीबडी कम्स टू इंडिया फॉर टू गेट लिबरेशन, ज्ञान के लिए, चाहे जो भी संस्कार कुछ भी स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, तो वो इंडिया के विजिट करते हैं. जैसे मोक्ष के द्वार दिया, ये मोक्ष के द्वार है. सो मेरी सारी पेंटिंग्स में मेरा टैगलाइन है, माय